Hey, what's up? Good morning, lovely people. की हाल चाल, स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। जी हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ से हानले के लिए। और जैसे ही हम लोग चुसूल से निकले हैं तो सबसे पहला पड़ाव जो हमें मिला है वो है लेफ्ट हैंड साइड में, जो आप देख रहे हो ये है चाइना। जी हाँ, चाइना शॉक्ड बट वी रॉक्ड। पोस्ट तो देखनी है किसकी है। चाइना की, ये फेंसिंग वर्क है ना, देख ये फेंसिंग वर्क है, ये चाइना बॉर्डर, ये इधर उधर चाइना है। वो देख उनकी, उधर भी मिलिट्री ड्रॉप है। तो गाइस सामने वाले पहाड़ जो है सिर्फ चाइना के हैं। हां, चाइना के। और वो जो सामने पोस्ट है वो चाइना की है, और जो फेंसिंग अभी दिखाई दे रही है उसको सिर्फ चाइना ही है। हम बिल्कुल बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे हैं। तो यहाँ जो मैं चेक कर रहा था वो ये चेक कर रहा था कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स नज़र आ रही थी, वो मुझे देखना था कि वो किसकी है, हमारी है या किसकी है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं तो ये देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे मानो एक टेम्प्रेरी बाउंड्री हो। सो वी थॉट कि हम चाइना के एक बहुत क्लोज हैं, सो ऐसा ना हो कि कहीं हम गलत रूट लेके और किसी और ही टेरिटरी में ना उतर जाए और पता लगे पीछे से गोली चले तड़ाक और हम सारे फ्लैट मिले। बट वी वर सो हैप्पी टू नो दिस के हमारे राइट हैंड साइड पे हमारे इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट हमें देखने को मिल रही थी। कुछ ऐसा सा सीन था, ऐसा सा फील था कि मानो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे चाइना है और राइट हैंड साइड पे हमारी इंडियन आर्मी है। जी हाँ, प्राउड इंडियन आर्मी। और बहुत अच्छा फील आ रहा था। मैं आपको वीडियो के माध्यम से सिर्फ दिखा सकता हूँ कि ये एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और ऐसा देखने को मिलता है। बट यस, यहाँ के एक चीज़ ज़रूर महसूस होती है कि भाई वी आर वेरी सेफ, क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी यहाँ बॉर्डर पे डे एंड नाइट हम लोगों की हिफाजत के लिए ड्यूटी पे तैनात है। और यहाँ पे मतलब एक इस एरिया की ना मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ भाई। यहाँ से अभी सबसे पहले हम लोग ना रेजांगला पहुँचेंगे। रेजांगला में जाके हम जो वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, वॉर म्यूज़ियम है, क्योंकि आपको पता होगा जब इंडो चाइना वॉर हुई थी तो उसका जो मेन कारण था वो था चुसूल। चुसूल को चाइना टेक ओवर करना चाहता था, इसलिए उन्होंने वो वॉर स्टार्ट की थी। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। ये वीडियो पूरी की पूरी यहाँ दिखाई जाती है आर्मी फैसिलिटी में, और इतनी टची ये मूवी थी कि मतलब आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो। और आप उस टाइम पे जो दौर रहा होगा जब वॉर छिड़ी थी तो कैसा वो दौर रहा होगा उसे आप बिल्कुल अपनी इमेजिनेशंस में लेके आ सकते हो। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीजों की हिम्मत तोड़ी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा छोड़ दिया। सो भाई ये देख लो, चुसूल से हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं और ये बीच में कोई लेक आई है। और मैं कहूँगा दीज आर द रूट्स लाइक अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस यार, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ लोग आते हैं। हम लोग ऐसे रूट पे आए हैं बट अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर लद्दाख एक्सप्लोर
एक्सप्लोर कर रहे हो ना, अबे खाली पेंगोंग लेक करने से, खारदुंगला करने से लद्दाख नहीं होता। चुसुल से हानले, हानले आओ पेंगोंग लेक से, तब आप देखेंगे ब्यूटी ऑफ लद्दाख। ओके एंजॉय। हानले की तरफ हमारा ये सफर बढ़ता हुआ, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड करने के बाद फाइनली हमारे को थोड़ी सी स्मूथ और ब्लैक टार्मिक देखने को मिली। उम्मीद और एक गाड़ी भी देखने को मिली, उम्मीद जगी और ऐसा लगा कि अब आगे का सफ़र हमारा थोड़ा सा आसान है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग हानले की तरफ बढ़ते गए और वादियों को जीते गए। देखो भाई, रेत है ना रोड पे आया हुआ और उसकी क्लासिक फंस गई थी, निकली नहीं, हिमालय निकल गई, एडवेंचर निकल गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे को मिले ये फौजी भाई जिन्होंने हमसे मांगी लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट देने के साथ कुछ कंडीशंस भी थी कि ये अपने सामान को नहीं दे सकते थे, तो इन्हें जहाँ सामान रहेगा वहीं बैठना है। आ जाओ, कोई बात नहीं, फाइनली हानले आधे घंटे में लगा दिया यार।